अच्छा लग रहा है ना ब्लैक कलर? ठीक ठीक लग रहा है, बस स्लीक लुक आ रही है, बढ़िया सी लुक, प्यारी। तो भाई मेरा जो आईफोन 13 था, मैं खरीदता नहीं है क्योंकि मैंने कैमरा ऑलरेडी ले रखा था, बहुत महंगा। तो पर मेरा आईफोन बिल्कुल एकदम टूट गया था, मैं बिल्कुल भी सेक्सी सेक्सी फोटो नहीं डाल पा रहा था जिम में, और हर बार कैमरा लेके जाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए तुम्हारे भाई ने आईफोन 15 प्रो ले लिया है। और वहीं से लिया जहाँ से आईफोन 11 लिया था, ये जब लिया 13 जब लिया था, तब की वीडियो देखी होगी, पिछला वाला फ़ोन ऐसे फेंका था, पर ये फेंक नहीं रहा मैं, ये भी अभी काम में आएगा। तो इसको लेके अब हम चलते हैं जिम, और बाकी आगे का व्लॉग एंजॉय करो। सो हे गाइस, क्या हालचाल, स्वागत सबका इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो की ऑफिशियल स्टार्ट है, जिसके अंदर मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ अपनी कटिंग की डाइट। नाउ इतने दिनों से मेरा अभी करंट बॉडी वेट, पहले मैं अपना बता देता हूँ, मेरा आज सुबह बॉडी वेट 91 kg आया है। इस हफ्ते की पूरी मैं ट्रेनिंग और डाइट तो मैं आपको आज दिखा दूंगा, बाकी सेम ही चलेगी। तो इस वीडियो के अंदर मेनली डाइट दिखाऊंगा मैं। अगर आपको इस पूरी वीडियो में से किसी पर्टिकुलर चीज की रेसिपी चाहिए होगी तो मैं वो आगे की वीडियो में दिखा दूंगा, बाकी डाइट सेम रहेगी पूरे के पूरे हफ्ते, और हम ट्रैक करेंगे कि हमारा बॉडी वेट में कितना डिफरेंस आया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे कैलोरी डेफिशिएट में होने वाला हूं, जो कि मेरी कैलोरीज होने वाली है पर डे की 2500 सिर्फ। इतना कम मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया, लेकिन जो फूड चॉइसेस मैंने करे हैं वो कम फील नहीं हो रहे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं, आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मेरे को पूरे दिन फुल फील होने वाला है, बस मैंने एक तरीके से ऑयल और जिस तरीके से मैंने अपनी कैलोरीज काटी है वो मैं टाइम के साथ साथ आपको बता दूंगा। फर्स्ट मील होने वाली है मेरी पैनकेक, इसके अंदर जो भी कैलोरीज है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जो भी इंग्रेडिएंट यूज करें वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, बटर से लेके हनी से लेके सब कुछ ट्रैक कर रहा हूं मैं पिछले 4-5 हफ्तों से, हर एक एक चीज, मतलब अगर मैं ऊपर से हनी भी डाल रहा हूं तो मैं उसको भी ट्रैक कर रहा हूं, और ये मुझे मेरे पुराने बॉडी बिल्डिंग डेज की याद दिला दी मुझे इसने, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन होता है थोड़ा, तो मजा आता है करने में, और आपको पता होता है कि आपकी बॉडी कितनी ज्यादा प्रोग्रेस करने वाली है नहीं करने वाली है। और मेरे ख्याल से मसल से दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से मसल थोड़ी डेफिनेशन ज्यादा आ चुकी है, थोड़ा बहुत फर्क आ चुका है बॉडी के अंदर, और करेंटली बॉडी वेट 91 kg है। ये पूरे हफ्ते का हम ट्रैक करेंगे, और 2500 कैलोरीज पे मैं क्यों आया हूं पहले आपको वो मैं बता देता हूं। मेरे को जितनी जल्दी हो सकता है अपना बॉडी वेट कट करना है, ताकि मैं एक आइडियल फैट परसेंटेज पे जाना चाहता हूं, जहां पे मुझे अच्छा फील होए, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज्यादा फैट परसेंटेज है पेट के अराउंड, तो ओवरऑल बॉडी फैट ही लूज होगा, एक जगह का तो होता नहीं है जैसा कि आप सबको पता ही है, जिसको नहीं पता था उसे अब पता लग गया। तो पहले मैं कट करूंगा, एक सर्टेन बॉडी फैट पे चले जाऊंगा, उसके बाद वी विल स्टार्ट काइंड ऑफ मेन गेन, और उस मेन गेन के अंदर हम अपनी पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलोरी डेफिशिएट में पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा बाद में कैलोरी डेफिशिएट करने से अच्छा अभी कैलोरी डेफिशिएट कर लेता हूं, और फिर जितने भी हफ्ते मेरे पे बचेंगे उसमें धीरे धीरे मैं अपनी पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग पे वापसी आता रहूंगा, और होपफुली हमारी स्ट्रेंथ भी ऊपर जाती रहेगी। तो अभी मैं इस डाइट को फिनिश करता हूं, और उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे जिम। अभी टाइम हो रहा है 1 PM दोपहर के, और मैं जिम 2 बार जा रहा हूं, कार्डियो करने और अपनी मेन बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करने। मैंने वैसे तो सुबह कार्डियो करता हूं, रात को बॉडी बिल्डिंग करता हूं, लेकिन वीडियो के चक्कर में मुझे सुबह जिम जाना पड़ेगा, मतलब दोपहर के अराउंड, क्योंकि जिम खाली रहता है तो आपको एक्सरसाइज दिखा पाऊंगा मैं, रात को मैं कार्डियो कर लूंगा, और यही मेरे पूरे हफ्ते का रूटीन होने वाला है। और दोनों अपनी कार्डियो और ट्रेनिंग सेपरेट रखो, थोड़ा टाइम गैप रखो, ताकि तुम्हारी मसल बिल्डिंग की जो रिकवरी है उसमें इशू ना हो, क्योंकि मैंने ट्राई करके देख लिया है, जिन लोगों को डाउट हो, मैंने अपनी कार्डियो और बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग कुछ 2-3 घंटे के गैप में ही करी, और मेरी मसल रिकवरी में बहुत मेजर इफेक्ट पड़ा था। मतलब मैंने चेस्ट की ट्रेनिंग करी थी और मेरे को 2-3 दिन तक फील हो रहा था कि यार मसल रिकवर नहीं हुई अच्छे से। तो ये चीज ध्यान रखो, अपनी कार्डियो अगर इंटेंस कर रहे हो, जैसे कि मैं अराउंड 40 मिनट्स की कार्डियो कर रहा हूं, वो मैं दिखा दूंगा क्या क्या कर रहा हूं, तो दोनों अलग रखो, अच्छे खासे टाइम गैप पे रखो। तो अभी हम इसे फटाफट फिनिश करते हैं, और एक ही मील खा के मैं आज जिम जाऊंगा, वैसे मैं प्रेफर करता हूं 2 मील खा के जाऊं, लेकिन कोई नहीं, ये खा के लेट्स गो जिम। तो जिन लोगों ने पैनकेक अच्छे से नहीं देखा मैं उन्हें दिखा देता हूँ, ये देखो, और इसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर की मैंने प्रोटीन डाला है, इसलिए ये थोड़ा चॉकलेट सा लग रहा है। इसका टेस्ट रिव्यू दे देता हूँ मैं, ये मेरे पूरे दिन की सबसे ज्यादा मीठी और सबसे ज्यादा टेस्टी, एक तरीके से कह सकते हो, मील होती है, क्योंकि मैंने पिछले 5-6 हफ्ते से, भाई मजाक नहीं कर रहा, मैंने पिछले 5-6 हफ्ते से कुछ भी मीठा बाहर का नहीं खाया, ना ही वॉफल, ना ही पैनकेक, ना ही आइसक्रीम, कुछ भी नहीं खाया। मैं जो भी खा रहा हूँ घर का बना के खा रहा हूँ। संडे एक ऐसा दिन होता है जब मैं बाहर से खा लेता हूँ 1-2 चीजें बस। मुझे इतना अच्छा लगता है ना पैनकेक, जिसकी अगर रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखा दूंगा, और बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मुझे फिनिश करने दो फटाफट।
तो एक प्रो टिप देता हूँ, अपना वर्कआउट खत्म करने से पहले अगर तुम कैलोरी डेफिशिएंट पे हो या फिर कैलोरी सरप्लस पे भी हो, मेंटेनेंस पे भी हो, अपना वाटर इनटेक बहुत बढ़िया रखो। इससे तुम्हारा पंप और तुम्हारा जितना भी, अगर तुम कम कार्बोहाइड्रेट पे हो तो तुम्हारे बॉडी के अंदर एनर्जी अच्छी फील होगी। क्योंकि मैंने जो नोटिस करा है कि जब से मैं कैलोरी डेफिशिएंट पे हूं, मेरे को पूरे वर्कआउट के अंदर पंप फील नहीं हो रहा, मतलब हाफ वर्कआउट के थ्रू पंप अच्छा खासा है, उसके बाद पंप फिर चले जा रहा है, बॉडी फ्लैट फील हो रही है। लेकिन वाटर इनटेक अच्छा रखो। इसकी मैंने दूसरी बोतल खत्म कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 4 लीटर वाटर इनटेक मेरा पूरा हो जाएगा वर्कआउट करने से पहले। बजने वाले हैं 3, 1 बजे मैं अपना कर रहा था, 1:30 बजे तक कर लिया था। मैं अभी तक जिम क्यों नहीं पहुंच पाया उसका रीजन दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो एक ब्रांड से कॉल आ गई थी, तो वो सब मैं निपटाने लग गया था, 30-40 मिनट मुझे वहां पे लग गए। और दूसरा रीजन है ये उबर। सो गाइज, मुझे ऐसे ही निकलना पड़ा है अपना झोला उठा के, हम ओल्ड स्कूल टाइप, जैसे मैं अपनी स्टेट चैंपियनशिप की प्रेप के लिए जाया करता था, यही से जिसको याद है उसको याद है। यहीं पे मैंने एक लाइन बोली थी, कौन सी, कि जिस तरीके का कंटेंट तुम देखोगे उस तरीके की चीजें तुम सोचोगे, और जिस तरीके की चीजें तुम सोचोगे उस तरीके का इंसान तुम बनोगे। तो बी वाइज व्हाट यू कंज्यूम ऑन इंटरनेट। तो गाइस, मैं अभी जो नया प्री वर्कआउट यूज़ कर रहा हूँ वो आपको पता ही है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बता रखा है। जो मेरा नया प्री वर्कआउट है वो बहुत ही सून लॉन्च होने वाला है, कंपनी मैंने अभी तक बताई नहीं है, कुछ भी नहीं बताया, वो आपको सून सब कुछ एक साथ पता लगेगा। बाकी प्री वर्कआउट मैं करीब 2 महीने से टेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक मुझे एकदम बेस्ट लगा है। मैं कोई सा प्री वर्कआउट यूज़ नहीं कर रहा, ये ब्लैक बॉक्स है उसका कंपनी। आप कमेंट्स में गैस करो कौन सी होगी, जिसका सही गैस होगा उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट या फिर कुछ मे बी डब्बा गिव अवे कर दूँ, ठीक है। बाकी अभी आप जैसे देख ही सकते हो जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगा अपना सारा वर्कआउट रिकॉर्ड करने की, लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैं आपको बता दूंगा, पर मैं कर ही लूँगा। ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कैमरा घुसा दूंगा किसी न किसी के बीच में और आपको पूरा वर्कआउट दिखाऊंगा। ज़्यादा एक्सरसाइज है नहीं, चेस्ट की 4 एक्सरसाइज है, उसके बाद शोल्डर की 3 या 4 एक्सरसाइज है, डिपेंडिंग ऑन मेरे को कैसा फील हो रहा है कि मेरे शोल्डर वर्क हुए या नहीं हुए, ठीक है। ओके गाइस, तो सारी एक्सरसाइज के लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस 2 बार करता हूँ हफ्ते में, जो फर्स्ट वाली होती है यानी कि मंडे को, उसके अंदर मैं इंक्लाइन मैक्सिमम रखता हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ, जिसमें मेरी चेस्ट पे फर्क आ रहा है, और जो सेकंड होता है उसमें मैं 1 पॉइंट नीचे कर देता हूँ ताकि डिफरेंट फाइबर्स हिट हो, डिफरेंट तरीके से हिट हो, दोनों अलग अलग दे। ये वाली थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि इसमें इंक्लाइन बेंच थोड़ी ज्यादा सीधी होती है, और इसके अंदर आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी वाइड ग्रिप लेके, मैं बिल्कुल एकदम शोल्डर के बराबर ले रहा था लेकिन अब मैं थोड़ी वाइड लूंगा ताकि स्ट्रेच बेटर आए। इसके अंदर मैं एक सेट वार्म अप का करता हूँ, बस ये पहली एक्सरसाइज होती है जिसमें वार्म अप सेट करता हूँ, बाकी किसी में वार्म अप सेट नहीं होते। तो ये हमारा वार्म अप सेट है, इसको शुरू करते हैं। तो ये होने वाला हमारा फर्स्ट सेट। इसके अंदर जो मेरा, इसके अंदर टोटल सेट्स 3 होंगे, फर्स्ट सेट के अंदर 2 रैप रिवर्स में होंगे, मतलब जो मेरा लास्ट रैप होना चाहिए उसके बाद मेरे में 2 रैप की और पावर होनी चाहिए, बाकी सेकंड सेट मेरा फेलियर होगा। थर्ड सेट जो होगा मेरा वो एकदम प्रॉपर ड्रॉप सेट वाला फेलियर होगा। ओके, तो इसके अंदर 2 रैप रिजर्व होने चाहिए, रैप रेंज हमारा गोल रहेगा 15 तक मैक्सिमम, बाकी ऐसा कुछ सेट नहीं है, 15 से ऊपर भी जा सकते हैं। तो रैप 12 है, इसके बाद 2 रैप और आते बस, तो इसलिए मैंने 12 रैप करके खत्म कर दिए। फेलियर करवा दो इसमें पूरा, ठीक है, ऊपर आने में हेल्प करा दो, नीचे खुद लेके जाऊंगा, ठीक है। So guys, this is going to be our second exercise. इसके अंदर हम फ्लाई कर रहे हैं लेकिन मैं वेरिएशन चेंज कर देता हूँ। जब मेरी सेकंड चेस्ट एक्सरसाइज होती है तो उसके अंदर मैं मशीन से फ्लाई कर लेता हूँ, और जब मेरी फर्स्ट होती है तो वैसे तो मैं सीट रख के कर रहा था, लेकिन आज मैं नई वेरिएंट ट्राई कर रहा हूँ, मतलब खड़े होके, थोड़ा फर्स्ट साइड के अंदर ऊपर था, उसको नीचे करेंगे हम, और फुल स्ट्रेच फुल स्क्वीज। इसके अंदर हाथ सीधा रखने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि जितना हमारा ऐसे होता है हमारे बाइसेप पे लोड आता रहता है, हाथ पूरा स्ट्रेट रख के स्क्वीज। रैप रेंज वही रहेगी 10 से 15 के बीच। थर्ड एक्सरसाइज प्रेसिंग मूवमेंट है।
गाइस हमने अभी चेस्ट की एक्सरसाइज करी, फ्लाई के बाद हमने एक प्रेसिंग मूवमेंट करी, मैंने फ्लैट से एक पॉइंट ऊपर करके डंबल प्रेस करी है ताकि ओवरऑल चेस्ट एक तरीके से हिट हो जाए। उसके बाद हमने लास्ट मूवमेंट फ्लाई करी है लोअर चेस्ट के लिए। लोअर चेस्ट मेरी ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है क्योंकि मैं आर्क बना के बेंच करता हूँ, तो मैंने उस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज बना रखी है। उसके बाद चेस्ट की एक्सरसाइज खत्म होगी, हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे स्टार्टिंग विद डंबल साइड रेजेस। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे फ्रंट रेजेस एक दूसरे स्टाइल में, मैं आपको दिखा दूंगा। पूरा ऊपर लेके जाना है और फिर नेगेटिव 3-4 सेकंड का रखना है। उसके बाद फिर से हम साइड रेजेस करेंगे लेकिन केबल पे, क्योंकि जब हम केबल पे करते हैं तो फिर हमारा जो हाथ होता है वो थोड़ा आगे से होके पीछे की तरफ जाता है। तो साइड रेजेस की मसल ट्रेन, लेटरल रेजेस हमारे ट्रेन होते हैं लेकिन थोड़े डिफरेंट मूवमेंट में होते हैं, तो पूरा लेटरल रेजेस अच्छे से ट्रेन हो जाता है। रियर डेड हम ट्रेन नहीं करेंगे क्योंकि मेरे बैक में अच्छे खासे ट्रेन हो जाते हैं। ठीक है, अभी फटाफट एक्सरसाइज खत्म करते हैं, घर भी जाना है। तो जो ये एक्सरसाइज है इसके अंदर हम फ्रंट रेज करेंगे, हमने ऑलरेडी चेस्ट कर रखी है तो फ्रंट रेज हमारे ऑलरेडी ट्रेन हो रखे हैं, इसलिए इसके सिर्फ 2 सेट करेंगे फेलियर तक। और इसके अंदर नेगेटिव हमें स्लो रखना है, डंबल को आपको ऐसे करके पकड़ना है, सामने रखना है, पूरा ऊपर स्लो। देखने में इजी लगती है पर बहुत बहुत हार्ड एक्सरसाइज है। इसके अंदर एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वेट ज़्यादा हैवी नहीं लेना, बहुत हार्ड एक्सरसाइज है। नीचे नेगेटिव स्लो रखना, बस 15 रैप के अंदर अंदर आपकी पड़ जाएगी। मैंने खुद 12.5 किलो का डंबल लिया हुआ है। डंबल प्रेस के अंदर हम हाथ बिल्कुल सीधा लेके जाते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आगे खड़े हो जाना और पीछे की तरफ लेके जाना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इससे आपके रियर डेड की मसल जो है वो साइड डेड्स बिल्कुल अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। और नेगेटिव हमेशा स्लो। तो गाइस हम घर पे पहुंच चुके हैं और घर पे पहुंचने के बाद सबसे पहली चीज़ मुझे गाड़ी में लेनी थी, पर मेरा सर इतना दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने सुबह से बस वो 600-700 कैलोरीज का वो पैनकेक खाया और कुछ नहीं खाया, मेरा एकदम सर गर्म हो गया। यहाँ से इसको पीऊँगा मैं, गाड़ी में मुझे हिल रही थी गाड़ी में, उल्टी कर देता, बड़ा अजीब सा मन हो रहा है मेरे को। इसके अंदर प्रोटीन है, फटाफट इसको पी के नेक्स्ट मील बना के फिर दिखाता हूँ। सो गाइज मुझे अराउंड 1 घंटा लग गया ये बनाने में, क्योंकि बीच में एक ब्रांड की मीटिंग थी, मुझे उसको ज्वाइन करना पड़ा और मेरा सर इतना दर्द हो रहा है बता नहीं सकता, मेरे को इतना सर दर्द हो रहा है ना, मेरे ख्याल से कम खाने की वजह से ही हो रहा है क्योंकि कुछ नहीं खाया मैंने सुबह से। ऑलमोस्ट 9 बज गए रात के भाई, 9। ये देखो, ये है 167 ग्राम चिकन ब्रेस्ट रॉ और 2 एग वाइट और 90 ग्राम रॉ राइस, उसको मैंने कुक कर लिया है। फिर सबका वेट रॉ नापा है मैंने और इसको मैं अब खाऊंगा अच्छे से। इसके अंदर जो भी कैलोरीज वगैरह होगी वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। नाउ डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अभी तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सारी की सारी 4K में शूट। अब किसी और का फ़ोन आ गया, 4K में शूट कर रहा हूँ तो 4K में देखा करो वीडियो सारी, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल होती है, 200 GB की फाइल बनी है तुम्हारी, तो वो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है? खाने दो मुझे अभी। कम कैलोरीज खाने की वजह से मेरा दिमाग पे इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ी देर सो गया और थोड़ी देर की जगह वो ज़्यादा देर हो गया। तो अभी मैंने क्या करा है, अपनी लास्ट जो मील है, जो मेरी 2 मील थी बेसिकली, दोनों छोटी छोटी मील थी, वो दोनों मैंने कंबाइन कर दिया, वो मैं आपको दिखा दूँगा जब बन के तैयार होगी। वो बनने के लिए मैंने एयर फ्रायर में डालना है, तो एयर फ्रायर में मुझे अराउंड 25 मिनट लगेंगे, तो 25 मिनट में साइकिलिंग करूँगा, टोटल मिनट साइकिलिंग करूँगा मैं 45 मिनट्स, और साइकिलिंग ही करूँगा मैं अपनी कार्डियो में, इंटेंस कार्डियो करता था मैं, वो स्टेयर्स वो हटा दी मैंने क्योंकि अभी मैं 2500 कैलोरीज पे हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा इंटेंस कार्डियो की आई गेस। तो घर पे मेरे साइकिल पड़ी हुई है ऑलरेडी, मैं साइकिल करूँगा जब तक वो खाना बनेगा, उसके बाद आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? अभी मैं लिटरली जब सो रहा था, मेरे को लिटरली मन हो रहा था कि यार सो जाता हूँ आज, बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ, कल उठ के फिर से फुल डे ऑफ शूटिंग शूट कर लूँगा, मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं कहा नहीं यार अब बना लिया, इतना सब कुछ कर लिया है तो फिर
अगर मैंने मंडे का दिन छोड़ दिया तो फिर सारे दिन ही ऐसे चले जाएंगे। तो मैं उठा बड़ी मुश्किल से, जैसा कि आपको पता है मैं अगर सो जाऊँ तो मैं उठ नहीं पाता। मैं उठा, अब ये 45 मिनट्स ऑफ कार्डियो करनी है, वहाँ पे खाना बन रहा है। कार्डियो करने के आधी कार्डियो होने के बाद मेरे ख्याल से खाना खाऊंगा, फिर उसके बाद आधी कार्डियो खाना खाने के बाद। ओके, टाइमर फ़ोन में लगा देता हूँ ताकि आप सबको पता रहे कि मैंने कितना कर रखा है। बहुत सारे लोग समझते हैं मैं झूठ बोलता हूँ। स्टॉप वॉच चालू कर रहा हूँ मैं, 3 2 1 स्टार्ट। चलो तो भाई, इसके अंदर है 100 ग्राम ऑफ वाइट ब्रेड, चिकन ब्रेस्ट है 250 ग्राम, आधा मैं खा गया बनाते बनाते, 100 ग्राम ऑफ फ्रेंच फ्राइज मकेन की, और 5 एग वाइट। टोटल ऑयल इसमें 10 ग्राम यूज़ हुआ है बस। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई सिर्फ 10 ग्राम ऑयल के अंदर इतना सब कुछ कैसे बना दिया। तो ये अमेज़ोन पे आता है, इसको ख़रीद लो, ये स्प्रे है, इसके अंदर नाप के 10 ग्राम ऑयल डालो और एयर फ्रायर में बनाओ, फुस फुस कर दो, टक टक काम, सेट्स ओके। और ये मैंने बना लिया अपना। इसके अंदर जो भी कैलोरीज होगी वो टोटल आपको दिख जाएगी। ये वैसे 2 मील होती है जिसके अंदर मैं जो सैंडविच है वो अलग खाता हूँ, और फ्राइज और एग वाइट और 100 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट मैं अलग खाता हूँ रात का, पर ये एक साथ हो गया। इसके साथ मैं 1 स्कूप आइसो रिच प्रोटीन भी पीऊंगा। उसके बाद जो मेरी टोटल कैलोरीज मैक्रो सब है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इधर, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की कैलोरीज। कार्डियो मैंने 15 मिनट करी थी, 30 मिनट्स मुझे और करनी है। सब कुछ खत्म करने के बाद मैं कर लूँगा, इतना तो भरोसा करो मुझ पे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है कल की। बाय।